तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिव्यू अपनी ही गाड़ी का, जो कि मेरे पास है सेलेरियो। और आप लोगों के साथ मैंने बोला था कि मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगा कि इसको मेरे पास एक साल से ऊपर हो गया है, मेरे पास इसको 1.5 साल हो गए हैं और मैंने इसको 2018 में जून में परचेज़ किया था। क्या मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, जो इसके नेगेटिव्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा अपना। क्या आज भी आपको 2019 में इसको लेना चाहिए, यानी कि सेलेरियो को, मारुति सेलेरियो को? और मेरे पास, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास वेरिएंट है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में है, आप देख सकते हो, मेरे पास है सेलेरियो ZXi मैनुअल में है। और मैनुअल में है इसलिए आपको इसमें अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं, और अगर आप ऑटोमेटिक में लेते हो ZXi तो उसमें आपको अलॉयज़ नहीं मिलते हैं। मैंने ये मैनुअल में परचेज़ की है तो ये मुझे इसमें अलॉयज़ मिले हैं। और अगर आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पर जाते हो तो उसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं, 14-inch स्टील व्हील में। और इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ में, क्या मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या इसका पावर पिकअप में कुछ इशू है, जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल में मैं आपके साथ आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूं गाड़ी का कि एक साल ऑलमोस्ट मेरे पास इसको 1.5 साल हो गया है, और इसका जो वॉक अराउंड है वो मैं आपको दे देता हूँ, क्या इसकी कंडीशन रही है अब तक, और उसके बाद मैं आपको फिर इसमें डिटेल में बताऊँगा कि इसमें क्या इसकी पॉजिटिव्स हैं और क्या मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का। मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो मारुति सुजुकी सेलेरियो का, उसमें आपको 14-inch अलॉयज़ व्हील मिलते हैं, और अगर आप इसी में ऑटोमेटिक लेते हो तो उसमें आपको स्टील व्हील मिलेंगे, 14-inch स्टील व्हील मिलेंगे। लेकिन ये मैंने मैनुअल ली है तो ये मुझे इसमें अलॉयज़ व्हील मिले हैं, और इसी वजह से मैंने मैनुअल प्रेफर किया क्योंकि मुझे अलॉयज़ चाहिए थे। तो आप देख सकते हो गाड़ी की प्रोफाइल, जैसे ही मैंने इसको लिया था जो लुक मुझे इसका लुक, मैं आपको पर्सनली बता दूं, मुझे इसका लुक, साइड जो लुक है इसका, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लगा था अलॉयज़ के साथ में, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। और बात करते हैं रेयर की, रेयर प्रोफाइल में आपको, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है, रेयर आपको रेयर वॉशर, रेयर डिफॉगर और रेयर वाइपर मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है रेनिंग सीज़न में, क्योंकि रेनिंग सीज़न में शीशा, रेयर जो शीशा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और फॉग भी जम जाता है रेनिंग सीज़न में, तो उसमें आपका डिफॉगर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। डिफॉगर गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, और आपका वॉशर और वाइपर भी होना ज़रूरी है। क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, अब बात करते हैं इसके, अब मैं आपको जल्दी से एक वॉक अराउंड मैंने दे दिया है गाड़ी का। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो गाड़ी के बिल्कुल भी, आपको जब आप ऑन रोड जाते हो, ऑन हाईवे में रहते हो, और आपको तब रियलाइज़ होता है कि इसके जो, इसका जो थ्रो है वो काफ़ी दूर तक जाता है, और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और जो उसके नीचे फॉग लैंप्स हैं, ये मारुति कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स आते हैं ZXi वेरिएंट में, इनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, आपको रेनिंग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ये, और फॉगी सीज़न में भी जब फॉग होता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ, जो भी इसके मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और जैसे कि मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया है गाड़ी का, और गाड़ी को मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, उसको मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी का, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें मैंने CNG नहीं लगाई हुई, मैं इसको ऑन पेट्रोल चला रहा हूँ, और पेट्रोल में जो मुझे पावर और पिकअप मिल रहा है इसका, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस है इसकी मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरे पास इससे पहले ऑल्टो थी, ऑल्टो 800, और उसमें CNG थी, और उसमें ये प्रॉब्लम थी कि मुझे पिकअप इतना बेकार मिलता था कि मैं बता नहीं सकता आपको। और अगर गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं और AC ऑन है तो उसका बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल दब जाती थी, उठती नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इसमें अगर मैं 5 लोग इसमें गाड़ी में बैठे हैं और AC ऑन है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो, जिसे कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो अगर इसको मैं एज अ CNG यूज़ करता तो मुझे पता है इसकी पावर और ज़्यादा दबती, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पता इतना नहीं चलता। गाड़ी जैसे विदाउट AC उठती है, ऐसी ऑन AC भी उठती है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, हल्का सा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फील होगा कि गाड़ी कहीं ना कहीं दब रही है AC ऑन में, अगर 5 लोग बैठे हैं तो, और अगर गाड़ी में 2 जने भी बैठे हैं, जैसे कि सामने मैं और को पैसेंजर मेरे साथ कोई बैठा है, तो गाड़ी में बिल्कुल भी फील नहीं होता कि गाड़ी कहीं से दब रही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से गाड़ी चलती है ऑन पेट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और गाड़ी में सबसे इम्प्रेसिव मुझे बात ये लगी है कि गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में चला रहे हो ना, तो आपको ये आप चाहे 1000 cc इंजन है, छोटा इंजन है, ज़्यादा बड़ा इंजन नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कोई अभी तक इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। स्टार्टिंग में जो जो मैंने अपनी कमियां, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ में, एक मैंने वीडियो भी डाली है इससे पहले जो कि मैंने इसका प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बताया है, और कुछ मेरी इसमें एक्सेप्टेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो मुझे फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी गाड़ी के लिए 5,90,000 रुपये पे कर रहे हो, तो थोड़े से आप एक्सेप्ट आपकी जो एक्सेप्टेशन होती है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है कि आप इसमें थोड़ा सा ये एड ऑन फीचर मारुति कर सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वो कॉस्ट कटिंग करती है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब ये है कि अगर आप जो अब इसका अपडेट आएगा, मे बी उसमें ये चीज़ आपको शिकायत ना मिले, उसमें आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक जो इसके ORVM से वो फोल्डेबल मिल जाएँ। अब इसमें काफ़ी अच्छा हो गया कि आपका ABS और EBD और जो ड्राइवर एयर बैग है वो अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। और इससे पहले वाले जो 2018 तक ये होता था कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हो गाड़ी का, तो उसमें ही आपको ABS मिलता था। लाइक अगर आप VXI वेरिएंट लेते हो विदाउट ऑप्शनल वाला, तो उसमें आपको ABS नहीं मिलता है। अगर आप ABS लेना चाहते हो तो आपको ऑप्शनल वेरिएंट पे जाना पड़ेगा, तो आपको उसमें ABS मिलता। अगर आप VXI लेते हो तो उसमें आपको ABS नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें थी जो अब काफ़ी बेटर हो गई हैं, और आई होप कि जो अब आने वाले कुछ टाइम पर मारुति इसको भी इसमें भी थोड़ा सैलरी पे भी इसमें अपडेट आएगा। तो ये था एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कहते हैं कि गाड़ी में कुछ अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसके सारे फैक्ट्स बताऊंगा आपको कि इसमें क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं। तो अच्छाइयां जैसे कि मैं आपको बता दिया, पिकअप रिस्पांस मुझे कोई कमी नहीं है, गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो भी अच्छे से ट्यून किए गए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और क्लियर करना चाहूँगा कि इसके जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, लेकिन अगर 5 लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद अगर आप थोड़ी सी ख़राब रास्ते में जाते हो तो आपको वो बम्प्स जो होते हैं वो फील होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे गाड़ी से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आज भी ये मारुति का अगर आप सैलरियो परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं इसके नेगेटिव्स हैं जो मैं आपके लोगों के साथ क्लियर वो भी करना चाहूँगा कि इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले जो कि मैंने आपको सस्पेंशन बता दिया कि इसके सस्पेंशन जब आप 5 लोग गाड़ी में बैठ जाते हो तो थोड़े आपको सस्पेंशन में आपको लगेगा कि अगर आपको दिखता नहीं है कोई सामने से एकदम ये ब्रेकर आ जाता है या कोई गड्ढा आ जाता है, तो आपको जो बाहर है वो अंदर भी फील होगा। ये रियलिटी मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मैं इसमें फील करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी लॉन्ग ड्राइवें की है। मैं आपको जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मथुरा, वृंदावन, कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, बालाजी गया हूँ और आपका गोकुल गया हूँ, सारी वीडियोस जो है जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। और तो वहाँ रास्ते भी काफ़ी ख़राब होते हैं, कई जगह ऐसे रास्ते मिलते हैं कि थोड़े ख़राब होते हैं, कई सड़कें काफ़ी स्मूथली हम जाते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इसको मैंने 150 तक स्पीड मैंने इसकी जो टॉप अब तक की जो मैंने इसकी हाई स्पीड मैंने चलाई है वो 150 तक मैंने चलाई है, यानी कि 150 की स्पीड तक मैंने चलाया है, वो मैंने चलाया है बालाजी में। तो मैंने इसको वहाँ पे 150 की स्पीड में चलाया क्योंकि वहाँ पे सड़कें काफ़ी खुली खुली थी। और एक चीज़ मैंने उस टाइम पर फील की कि ये उस जब आप अगर आप इसमें 5000 RPM पे जाते हो, 6000 RPM पे जाते हो, तो ये थोड़ी नॉइज़ी हो जाती है, आपको कैबिन में भी थोड़ी नॉइज़ फील होगी इसकी, ये थोड़ी नॉइज़ी भी है। लेकिन अगर आप 100 तक चला रहे हो तो कोई आपको इतना फील नहीं होता है, लेकिन हाँ 100 से अगर आप अबव जाते हो, 110, 120, 130 तक जाते हो और उससे भी अबव जाते हो, तो आपको थोड़ी नॉइज़ी, थोड़ी ज़्यादा नॉइज़ी भी लग सकती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैसेजेस में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे कि सर आप इसका ऑन AC और नॉन AC आप हमें इसके साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप 5 लोग गाड़ी में बैठे हो और AC ऑन है, अगर आप पेट्रोल पे इसको चला रहे हो, तो उतना आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। हाँ, आपको हाईवेज़ पे जब आप जा रहे हो तो उतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन AC ऑन विद 5 पैसेंजर अगर आपके साथ बैठे हैं और अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, तो आपको गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है। अगर आपकी 50 पे स्पीड है और आपका गियर अगर 5th गियर पे लगा हुआ है, तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई मेज़र इशू नहीं है, ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि AC ऑन है, 1000 cc का इंजन है, 5 लोग गाड़ी में बैठे हैं। अगर गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, गाड़ी का AC ऑन है,
और अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका फोर्थ गियर में होगी या फिफ्थ गियर में होगी तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर गाड़ी विदाउट एसी चल रही है, गाड़ी में भले ही चार लोग हो पांच लोग हो, तो आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस गियर पे भी है, आप गाड़ी फोर्थ पे है फिफ्थ पे है, तो भी आप ओवरटेकिंग कर सकते हो। जो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा अपना एक्सपीरियंस, ये मुझे करना ज़रूरी था। कई लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब की वीडियो पे, और मैं मुझे डीएम आ रहे थे, फेसबुक पे भी मुझे मैसेजेस लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसे ऐसे हमें सैलरी लेनी चाहिए आज भी, और क्या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमारे लिए बताइए कौन सा है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका आपकी मंथ में आपकी मंथली अगर ज़्यादा रनिंग नहीं है, 200 300 400 तक आपकी रनिंग है मंथली, तो आप पेट्रोल में ही जाइए, मैं आपको यही कहूँगा। मेरा भी इसमें, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी भी रनिंग ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इसको पेट्रोल में ही लिया है। हाँ, अगर मेरी रनिंग ज़्यादा होती, 1000-1500 होती, तो मैं इसको सीएनजी में लेता, और हो सकता है मैं फिर स्विफ्ट पे जाता, लेकिन मुझे इसमें मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है और जो मेरी नीड्स है वो इसमें पूरी हो रही है, तो मैंने इस वजह से ली है। अगर आप लोग के साथ भी यही सिचुएशन है, रनिंग आप लोगों की कम है, आपको थोड़े फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हो, ZXI के साथ। ZXI मैनुअल है, ये मैनुअल में आपको बस इतना है कि अलॉयज़ मिल जाते हैं। अब तो मारुति काफ़ी अच्छे अलॉयज़ आपको ऑफ़र कर रही है, और दूसरे दूसरे डिज़ाइन भी आ गए हैं। उस टाइम पर जब मैंने लिया था तो इसमें बस यही वाले अलॉयज़ थे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें एक ही अलॉयज़ आते थे, एक ही अलॉयज़ के डिज़ाइन आते थे जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए अलॉयज़ में भी मारुति के पास में, आप उनके साथ जा सकते हो, अलॉयज़ अपने चेंज करवा सकते हो, या फिर आफ्टर मार्केट भी आप इसमें चेंज लगवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आज भी अगर आप लोग सैलरियो ख़रीदना चाहते हो, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मुझे आज भी बहुत मेरा डिसीज़न, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने गलत ले ली, आपने ये सैलरियो क्यों ली, आप इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे थे। देखो, आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों का मन कहता है आप लोग वो करिए। आप किसी सब कहते हैं आप उनकी सुनिए, लेकिन आपका मन क्या कहता है आप उसकी सुनिए। मेरा मन था सैलरी लेने का, इसलिए मैंने सैलरी ली और इसका टॉप एंड वेरिएंट लिया। मेरी जो नीड्स थी वो इसमें पूरी हो रही है। अगर मैं स्विफ्ट लेता VXI वेरिएंट, उस समय मुझे 6.5 लाख के आसपास वो मिल रहा था, तो उसमें मुझे रेयर वाइपर, रेयर डिफॉगर, रेयर वॉशर कुछ नहीं मिल रहा था, और जो कि आपका कई चीज़ें थी उसमें अलॉयज़ व्हील नहीं थे उसमें। मैंने जो लिया है, मुझे ऑलमोस्ट 6 लाख की पड़ी है। इसमें मेरी सारी नीड्स, जिसे कहते हैं आपको, उसमें सारे फीचर मुझे इसमें मिले हैं, सिवाय आपको इसमें EBD उस टाइम पर नहीं था। लेकिन अब अगर आप आज लेते हो मारुति, अगर आप आज लेते हो सैलरी, तो उसमें आपको ABS, EBD और आपका जो ड्राइवर एयरबैग है वो स्टैंडर्ड है, वो आपको यानी कि मिलेगा। तो आज तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर आप लेते हो तो VXI वेरिएंट भी आप ले सकते हो। जितने भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, वृंदावन मथुरा के और नंदगांव के और बालाजी के भी, जहाँ जाके भी व्लॉग्स देखे आपने, वो सब मैंने इसी गाड़ी में मैं गया हूँ, और अभी व्लॉग्स जो भी आने वाले हैं, जो भी आएंगे, सब मैं गाड़ी को इसी को लेके जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप गाड़ी लीजिए, चाहे वो ज़रूरी नहीं आप सैलरी लीजिए, आपको जो गाड़ी पसंद है आप वो गाड़ी लीजिए, आपका जिस पर मन है आप वो गाड़ी लीजिए। गाड़ी का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। गाड़ी में मुझे नेगेटिव पॉइंट जो स्टार्टिंग में मैंने जो लगा था, थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा इसका, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप बजा के देखोगे ना, तो थोड़ा सा चीप क्वालिटी, ऐसा हल्का प्लास्टिक होता है ना, जो वो थोड़ा मुझे फील होता है आज भी कि इसका थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी है, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ फीचर थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जैसे कि इसका जो उसके ORVM से वो इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी वही है, मारुति कॉस कटिंग कर दी उसने इसमें, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें सारे फीचर आपको मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताया। इसमें म्यूजिक सिस्टम है, वो आपको इनबिल्ट मिलता है, कंपनी फिटेड आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा कोल्ड है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मुझे कोल्ड है, थोड़ा मौसम ठंड है, और मैं अभी बीच में जो बारिश हुई थी उसमें मैं भीग गया था, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ में फ़र्क है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी सवाल हैं सैलरी से रिलेटेड, अभी भी आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, और पूछिए मेरे से, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो कि आपके क्या अभी भी डाउट है सैलरियों को लेकर।
मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सोलेरियो को अगर आप लेना चाहते हो, रनिंग आपकी कम है, ZXI वेरिएंट ले लो। एलॉयज व्हील लेना चाहते हो तो मैनुअल के साथ जाओ, गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइलेंट है। आप इसको 100 की स्पीड तक चला रहे हो तो बिल्कुल गाड़ी साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाईवे में जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है 110-120 तक आप अबव जाओगे तो थोड़ी सी नॉइजी होती है, लेकिन वो इतना चलता है। 1000cc इंजन जैसे मैंने आपको बताया था, गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। CNG का मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, CNG का एक्सपीरियंस मेरे साथ इसका नहीं है क्योंकि मैं इसको पेट्रोल पर चला रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपको, आप सभी व्यूअर्स को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है मेरे साथ में, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कीजिए अपनी गाड़ी का। अगर आप मुझे मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। आपके साथ मैं रिव्यू शूट करूँगा आपकी गाड़ी का, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लोगों के साथ कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है आपके साथ में। तो अगर आप अपनी गाड़ी का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी का किया है, मेरे पास इसको 1.5 साल हो गए हैं और क्या इसकी कमियाँ थी, जो भी चीज़ें थी वो जो कि मैंने आपको बताई है, इसमें गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ गाड़ी में मुझे कोई कमी नहीं लगी। स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले वाली वीडियो में कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी ORVM वगैरह थे, वो चीज़ मैंने उस टाइम पर बता दी थी, लेकिन अभी तक मुझे गाड़ी में कोई कमी नहीं लगी है। गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, पेट्रोल में चला रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है गाड़ी से। आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सोलेरियो आपकी पसंद है तो आप लीजिए। अगर आप VXI वेरिएंट लेना चाहते हो CNG का तो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप VXI के साथ जा सकते हो। और अगर आप अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, सबके साथ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा, आप मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझे DM कीजिए कि आपकी डिटेल, फिर आपको मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। आपके साथ, सभी के साथ शेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने किया। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।